मेरे को भाई बहुत मारा, पांच छह जनों ने बहुत मारा, जमीन मकान के पीछे मेरे रात दिन धमकिया देता रहता, बोला जान के मार दूंगा, कब्जा दे दे मेरे को ना तो जान के मार दूंगा। घर जबरदस्ती हमारा मांग रहा है, जब हमारा घर है तो फिर क्यों मांग रहे हैं? जब देने के कह रहे बेच डालो, जब बेचना नहीं है तो क्यों बेचें? तो कह रहे मैं अपने अपने तरीके से ले लूंगा। उनकी औरतों ने भी मारा ना, हम लोग जब बचाने गए भाई को तो हम लोग को भी तक उसने लोग ने मारा, बाल पकड़ के मारा, डंडों से मारा। यहाँ तो खून ही खून, ये सब जातियों पे लाठी ने बाल डंडे बहुत मारे, मेरे को दर्द चालू ही दर्द सब जग गया। पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, इसने ये तक बोला, क्योंकि पुलिस उसकी जेब में रखी ये बोलता है। मेरे को जान का बहुत जोखिम है, मेरी जान की, मेरे को खुद को ऐसा लगता है मेरे को ये छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा, रात दिन धमकियां यही देता है। आदाब, मैं हूं जावेद सैयद, आप देख रहे हैं न्यूज 24 इंडिया। हदीस में कहा जाता है कि सबसे पहले अपना पड़ोसी है उसका ख्याल रखना चाहिए, लेकिन सालम विस्तार में पानवाली के करीबी शाहनगर के विस्तार में एक पड़ोसी है जो मकान पच्चा पाड़ने के लिए उनके घर पर उनके औरतों पर मर्दों पर हमला करता है। पीड़ित परिवार है, सीधा पीड़ित परिवार से बात करेंगे, जिनको लगा उनसे बात करेंगे। भाई आपका नाम क्या है? नाम साहिद हुसैन है। मेरे को भाई बहुत मारा, पांच छह जनों ने बहुत मारा, जमीन मकान के पीछे मेरे रात दिन धमकियां देता रहता, बोला जान से मार दूंगा, कब्जा दे दे मेरे को ना तो जान से मार दूंगा। बस हमें तो यही बोलता, मैं तेरी लाश गिरा दूंगा। किसने मारा आपको? मुनीर कांति भाई ने, मुनीर खान या दिन कांति भाई, फिर इरफान उसका ताला है उसने, और उसका बड़ा ताड़ू भाई है उसने, इन सब ने मेरे को मिलकर ना डंडे ने पाइपों से बहुत मारा। यहाँ से खून ही खून, ये सब जातियों पे लाठी ने बाल डंडे बहुत मारे, मेरे को दर्द चालू ही दर्द सब जग गया, कोई दिखता नहीं है। मामला क्यों मारा, मामला क्या है? पीछे मेरी पाली बन रही थी तो दरवाजे पे आया ना, माँ बहनों की गालियां देने लगा, बोले के तुम सबको तो घर में घुस के मारूंगा, माँ पार दूंगा, ये कर दूंगा। मैंने बोला भाई, बाहर जाके मैंने बोला कि क्यों ऐसा करता, बार बार गाली गलौज क्यों करता, अब तो कोर्ट से फैसला आ गया, हम लोग जीत गए ले। तो बोलता कोर्ट ने फैसला दे दिया, मैं थोड़ी फैसला मानूंगा, मैं जब तक तुम्हारी लाश ना गिरा तो मैं चैन से नहीं बैठूंगा। हमें तो ये धमकी देता बोले। पुलिस से प्रशासन से आपकी मांग क्या है? ऐसे इंसान को सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए जो दूसरे को परेशान ना करे। मैं तो बस यही मांग करूंगा, मेरे को जान का बहुत जोखिम है, मेरी जान की, मेरे को खुद को ऐसा लगता है मेरे को ये छोड़ेगा नहीं, जान से मार देगा, रात दिन धमकिया यही देता है, इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। उनके घर की महिला है, सीधी महिला से बात करेंगे। पापा आपका नाम क्या है? मुस्कान। क्या हुआ था उस दिन, घटना क्या हुई थी और वहाँ क्या घर में घुस गए थे, कितने लोगों ने हमला किया? मुनीर था, पीछे पाली बन रही थी हमारे घर की, तो इसने लड़ाई झगड़े और गालियां देने लगा, और बाहर जाके गालियां पे गालियां दे रहा, तो भाई ने बोला गाली क्यों दे रहा है मेरे शाहिद भाई, तो कह रहा नहीं गाली दूंगा मारूंगा अभी और सबकी लाशें बिछा के जाऊंगा अब मैं। तो भाई ने बोला जब केस पद गया तो फिर क्या क्या जरूरत है गाली बलोच करने की, तो कह रहा नहीं भले अदालत से तुम्हारा फैसला हो गया पर मेरा नहीं हुआ, मैं करूंगा तुम लोग का फैसला, मारूंगा और कहते बिछा के जाऊंगा बस लाश है। और मेरे भाई को बहुत मारा, समझो सबने मारा, जीजा साले जो भी उसके थे, चार पांच सात 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 तो थे करीबन। मामला क्या है आपका? घर का मामला है, कब्जे का मामला है, मामला क्या है? घर का ही मामला है, घर जबरदस्ती हमारा मांग रहा है, जब हमारा घर है तो फिर क्यों मांग रहे हैं? जब देने के कह रहे बेच डालो, जब बेचना नहीं है तो क्यों बेचे? तो कह रहे मैं अपने अपने तरीके से ले लूंगा, मैं सबको मार के ले लूंगा, सबकी कब्रें बना दूंगा, अपन घर लेके रहूंगा। और पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती, इसने ये तक बोला, क्योंकि पुलिस उसकी जेब में रखी ये बोलता है। अब क्या करें, पुलिस भी कुछ नहीं बोलती है ना, कभी आती है। आप लोगों की पुलिस से प्रशासन से मांग क्या है, क्या चाहते हो? आपको डर लग रहा है? बहुत डर है उसका, इतना डर है कि कुछ पूछो मत, क्योंकि वो कभी भी अपने जीजा सालों को लेके हमारे घर में घुस सकता है, और पुलिस वाले हो सके तो लेके जाओ उसको, मुनीर को, बस इतना मैं कहना चाहती हूँ। दूसरी महिला उनसे बात करेंगे। आपा उस दिन घर पर किस तरह लोगों ने हमला किया, घर पर घुसकर हमला किया, कितने लोग थे?
करीबन 6-7 लोग थे और उनके साथ में उनकी बीबियां भी शामिल थी भाई। और उन्होंने पीछे बस वो पाली के पीछे इतनी गाली गलौज इतनी सारी बोली, और वह भाई तो सीधे अकेले बाहर ही बैठे थे क्योंकि वो कड़िया काम चालू था। तो वह बाहर जाके भाई ने उसे इतना ही बोला कि भाई तू गालियां देता मेरी बहनों को कैसा अच्छा लगता, तो बोलता मैं दूंगा गालियां और सबकी लाशें बिछाऊंगा सबको मारूंगा। तो भाई ने बोला क्यों ऐसा बोल रहा है, तो भाई को गिरेवान पकड़ के भाई को बहुत मारा और वहां घसीटता हुआ वहां उसके ससुराल की तरफ ले गया। वहां उसके सब साड़ू भाई नित्य साले सब जीजा सब आ गए और साथ में साथ उनकी औरतें भी थी। उनकी औरतों ने भी मारा ना, हम लोग जब बचाने गए भाई को तो हम लोग को भी तक उसने लोग ने मारा, बाल पकड़ के मारा डंडों से मारा। और हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था भाई, हमारे तो खुद छोटे बच्चे, हम अपने बच्चों को देखे के भाई को देखे हम खुद परेशान थे कि क्या करें किसके पास जाए, पर ना गली वालों ने साथ देखा साथ दिया और ना ही कोई और ने, और पुलिस भी केस करा तो पुलिस भी नहीं आई। और इसकी तो पुलिस मतलब ये कहता है क्या पुलिस तो मेरी है, तुम कुछ भी कर लो हमको कुछ नहीं होने वाला, कहीं पे भी कुछ नहीं होगा, वो यही बोलता है। लोगों से प्रशासन से पुलिस से क्या मांगे आपकी, अब क्या आपकी रजूआत क्या है, आप मांगनी क्या करते हो, क्या चाहते हो? हम इंसाफ चाहते हैं भाई, और बस इसका कुछ भी निकाल करो, इसके साड़ू भाई सबका बहुत ज्यादा तरह से हमें क्या पूरी गली को परेशान करके रखा, इसकी घर की बीबियां ने इसकी औरतें सब एक नंबर की है कि किसी को नहीं छोड़े। और इसी है सबसे ज्यादा तो मुनीर खान सब अपन भी अपने खामोश रह जाते कि इस बात से कि नहीं लड़ाई झगड़ा नहीं करना अपनों को, क्योंकि हमारा एक अकेला भाई कोई किस किस से लड़ेगा है, तो इसलिए अपना खामोश रहते, मगर उसके घर की औरतें खामोश नहीं रहती, वो तो उल्टा हम पे लोग आरोप लगाती और हमको मारने की धमकियां देती है, उसके साथ में 6-7 भाई जो साल। पुलिस से आपकी मांग क्या है, आप रजूआत क्या क्या चाहते हो आप? हम बस इंसाफ चाहते, यही चाहते कि इसको पकड़े और इसको अच्छी से कड़ी सजा दे, और इसको ही नहीं इसकी साड़ू भाई सालों सबको पकड़े, क्योंकि ये बचे ये पकड़ गया और सालू भाई साला ने सब ले गए ना, तो सब बचा ही लेंगे उसको, और सातों साल फिर बाद में फिर से ये हम पे हमला करेंगे। खास करके आप सीधे विजुअल से देख सकते हो कि ये एक पीड़ित परिवार है, बच्चे है महिला है और जिनको लगा है उनका पूरा परिवार यहाँ पे, पूरा परिवार सदमे में है। खास करके बात यही आती है कि एक पुलिस परिवार होने से एक रिक्शा चालक है लेकिन उनका जो परिवार है वो पुलिस से उनका संपर्क है, जिसके चलते एक परिवार पर घर कब्जा करने को लेकर हमला करने में आता है, महिलाएं डर जाती है, बच्चे डर जाते हैं। देखने में आता है कि दाड़ीमला पुलिस इसमें क्या एक्शन लेती है या ऊपर से प्रेशर आता है। जावेद सैयद अहमदाबाद।